इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया थर्ड ओडीआई हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने ओपनिंग की और दोनों ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड दोनों पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे थे और दोनों ने बढ़िया स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया के लिए। इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी ने स्टार्ट किया पर दोनों कोई प्रभाव नहीं डाल सके। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड बहुत आसानी से दोनों खेल रहे थे और आसानी से रन बटोर रहे थे दोनों के खिलाफ। मिचेल मार्श अपने आक्रामक रूप को जारी रख रहे थे और बढ़िया बढ़िया शॉट्स लगा रहे थे। मिचेल मार्श की एक तूफानी पारी आज फिर देखने को मिल रही थी और ट्रेविस हेड भी दूसरे छोर पर काफ़ी बढ़िया खेल रहे थे। बाद में छठे ओवर में अक्षर पटेल को इंट्रोड्यूस किया पर अक्षर पटेल भी कुछ खास नहीं कर पाई। इंडिया काफ़ी बोर लग रही थी। ऑस्ट्रेलिया बढ़िया बैटिंग कर रही थी और बढ़िया स्टार्ट मिल चुका था ऑस्ट्रेलिया को और पावर प्ले का बहुत बढ़िया फ़ायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने पहले पावर प्ले का। 11वें ओवर में हार्दिक पांड्या बॉलिंग पर आए और हार्दिक पांड्या ने आते ही कमाल किया। हार्दिक पांड्या ने आते ही सफलता मिली। ट्रेविस हेड को चलता किया हार्दिक पांड्या ने कुलदीप यादव ने पकड़ा गया और बात को मिला पहला ब्रेक थ्रू। हार्दिक पांड्या ने अपने दूसरे ओवर में एक और सफलता अर्जित की। स्टीवन स्मिथ को कोर्ट बियांड करवा दिया। केएल राहुल ने पकड़ा कैच और बात को मिली दूसरी सफलता और हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया की वापसी करवाई गेम में। स्टीवन स्मिथ शून्य पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया 14 ओवर में 80 रन पर 2 विकेट था। मिचेल मार्श बढ़िया खेल रहे थे। एक और चौका मिचेल मार्श का पर हार्दिक पांड्या का एक और बढ़िया बॉल और मिचेल मार्श को भी आउट किया हार्दिक पांड्या ने। इनसाइड एज लगा और सीधा बोल्ड हो गए मिचेल मार्श और हार्दिक पांड्या के लिए तीसरी सफलता। मिचेल मार्श 47 ओवर में 47 रन बनाकर आउट हुए। इंडिया ने 3 विकेट झटक लिए थे और रन भी कंट्रोल कर लिए थे। इंडिया की वापसी करवाई हार्दिक पांड्या ने इस मैच में। उसके बाद वॉर्नर और लवूशन ने टीम को संभालने की कोशिश की। वॉर्नर लवूशन बढ़िया खेल रहे थे पर कुलदीप यादव का जादू चला। कुलदीप यादव ने डेविड वॉर्नर को किया आउट। डेविड वॉर्नर को चलता किया कुलदीप यादव ने हार्दिक पांड्या ने पकड़ा गया। 23 रन बनाकर डेविड वॉर्नर भी आउट हुए। डेविड वॉर्नर के आउट होने के बाद क्रीज पर एलेक्स कैरी और लवूशन क्रीज पर। कुलदीप यादव को मिली एक और सफलता। लवूशन को भी आउट किया शुभमन गिल ने पकड़ा गया। लवूशन 28 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी जल्दी 5 विकेट खो दिए थे और 5 विकेट खोने के बाद एलेक्स कैरी और मार्कस टर्निस के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए। एक 50 रन पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच और बढ़िया पार्टनरशिप और ऑस्ट्रेलिया की मैच में वापसी करवाई एलेक्स कैरी और मार्कस टर्निस की पार्टनरशिप ने। इस पार्टनरशिप को तोड़ा अक्षर पटेल ने मार्कस टर्निस को आउट किया। शुभमन गिल ने एक और अच्छा कैच पकड़ा और मार्कस टर्निस हुए आउट। 25 रन बनाकर मार्कस टर्निस आउट हुए। मार्कस टर्निस के आउट होने के बाद क्रिस प्राइस होने पर कुलदीप यादव को एक और सफलता। एलेक्स कैरी को एक लाजवाब गेंद डाली और बोल्ड कर दिया कुलदीप यादव ने। एलेक्स कैरी 38 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट गिरा। उसके बाद क्रीज पर एस्टनेगर और शोन एबट और एस्टनेगर के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। दोनों बढ़िया खेल रहे थे। शोन एबट काफ़ी आक्रामक शॉट लगा रहे थे और शोन एबट ने दो बढ़िया हिट लगाए अक्षर पटेल को। दो छक्के लगाए अक्षर पटेल को शोन एबट ने पर उसी ओवर में अक्षर पटेल ने लिया बदला और शोन एबट को बोल्ड कर दिया अक्षर पटेल ने और शोन एबट हुए आउट। अक्षर पटेल को दूसरी सफलता मिली। शोन एबट 26 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट खो दिए थे और मोहम्मद सिराज को एक और सफलता मिली। मोहम्मद सिराज ने एस्टनेगर को आउट किया। अक्षर पटेल ने पकड़ा कैच। 17 रन बनाकर एस्टनेगर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया 9 डाउन। ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाया और लास्ट विकेट मिला मोहम्मद सिराज को। मिचेल स्टार्क को आउट किया मोहम्मद सिराज ने। रविंद्र जडेजा ने पकड़ा कैच और ऑस्ट्रेलिया 269 पर सिमट गई 49 ओवर में। और इंडिया के लिए 270 रन का टारगेट है चेज करने के लिए। इंडिया को 50 ओवर में 270 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए और ये सीरीज डिसाइड जीतने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।